केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान कटारिया ने कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है, जल्द ही पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं अशोक अरोड़ा के इनेलो छोड़ने पर भी कटारिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अरोड़ा जैसे व्यक्ति जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक पार्टी को दे दिया हो, वो पार्टी छोड़ दें तो समझा जा सकता है कि ऐसे राजनीतिक दलों का अब वजूद खत्म हो गया है। तो कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और यहां उन्होंने अशोक अरोड़ा के पार्टी छोड़ने पर तंज कसा। वे उन्होंने कहा कि अब जितने भी हरियाणा में विपक्षी दल मौजूद हैं, उनका वजूद खत्म हो चुका है, इसीलिए अब लगातार हरियाणा में विपक्षी दलों को छोड़ लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आचार संहिता लगने वाली है और हमने भी पूरी कमर पहले से ही कस रखी है और हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी हमने कर ली है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का माहौल हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि हम जो है 1987 का इतिहास हरियाणा प्रदेश के अंदर दोहराएं और भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 85 सीटें प्राप्त कर जाए कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है विपक्षी दलों की कोई कहानी नहीं है और आज जो ये इकट्ठा होने की बात कह रहे हैं तो उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा में कहावत है कि रास्ता बोली डूमनी गवा उत्पताल। तो आज जिस तरह की हालत हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्षी दलों की है उससे कोई इनकी बात बनने वाली नहीं है। और चले इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पंजाब से, जहां पंजाब में अकाली दल ने